ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस वजह से नहीं चल पा रही है द कपिल शर्मा शो? आखिर क्यों फैंस नाराज हो गए हैं कपिल शर्मा से? वेल, क्या कुछ हुआ है द कपिल शर्मा शो को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं वर्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं बाज़ूका रिव्यूज। कपिल शर्मा शो एक बार फिर से लाइमलाइट का हिस्सा बनते हुए नजर आ गया है, जिस वजह से कपिल शर्मा भी एक बार फिर से सुर्खियों के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। वेल, आपको बता दें, साल 2016 में ये शो सोनी टीवी पर आता था, जहां पर आए दिन इस चीज को लेकर लाइमलाइट का हिस्सा भी बने रहते थे कपिल शर्मा। कपिल शर्मा शो में सलमान खान से लेकर आमिर खान तक इस शो का हिस्सा बने थे, जहां पर कोई भी बॉलीवुड सेलेब्स की अपकमिंग फिल्म आती थी, कपिल शर्मा उनसे बेखौफ सवाल भी पूछते थे और जनता को एंटरटेन भी करते थे। लेकिन सोनी टीवी के दौरान ये शो को ऑडियंस से भरपूर प्यार मिला था, लेकिन अब ऑडियंस को लग रहा है कि कपिल शर्मा शो नहीं आ रहा है पसंद। जी हाँ, जहां पर ये शो सोनी टीवी पर चल रहा था तब ऑडियंस को बेशुमार प्यार मिला, लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ये शो आ रहा है 23 मार्च से। वेल, ऑडियंस के बीच में क्या है कपिल शर्मा शो को लेकर, चलिए जानते हैं आज के इस रिपोर्ट में। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर सृष्टि प्रभाकर ऑडियंस के बीच में है, तो चलिए जानते हैं कि ऑडियंस द कपिल शर्मा शो को लेकर क्या कहना चाहती है, आखिर क्यों नहीं पसंद आ रही है उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर द कपिल शर्मा शो। डॉक्टर मसूर गुलाटी को कितना मिस कर रहे हो? बहुत मिस कर रहे हो, मिस कर रहे हैं। वो कैरेक्टर सही था, देखने में अच्छा लगता था, हंसी भी आती थी, अब मिस कर रहे हैं उसको। मसूर गुलाटी को ज्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ ना हो तो भाई हंसाता था, उसके ना रहने से तो बहुत फर्क पड़ा। वो तो एक लीजेंड कैरेक्टर था। सुनील भाई और कपिल दोनों एक साथ कर रहे तो अच्छा है। पहले हम सोनी पे देखते थे, नेटफ्लिक्स पे मालूम भी नहीं अभी है उस पे करके। पहले ही ज्यादा मजा आ रहा था कपिल शर्मा के शो पे, पहले बहुत अच्छा लगता था, अभी वैसा नहीं है। हाय, मेरा नाम सृष्टि है और आप देख रहे हैं बाज़ूका। कपिल शर्मा का शो जो पहले टीवी पे आता था अब नेटफ्लिक्स पे आता है। आइए जानते हैं जनता का क्या कहना है। आप कपिल शर्मा का शो देखते हो? जी हाँ, देखता हूँ कपिल शर्मा का शो। हाँ बिल्कुल देखते हैं। हाँ देखते हैं। यस यस जी हाँ। या पहले कपिल शर्मा का शो सोनी पे आता था, अब लेकिन नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, तो कितना इम्पैक्ट पड़ा शो पर? अभी पहले जैसा शो नहीं है, क्योंकि उनका ज़्यादा, वो उन दोनों का ज़्यादा अच्छा जोड़ी था और उनका ज़्यादा अच्छा था डॉक्टर मसूर गुलाटी के रूप में। सुनील ग्लोवर का न्यू कैरेक्टर आपको कैसा लग रहा? अच्छा है वो भी, न्यू कैरेक्टर भी, पर डॉक्टर गुलाटी का जो कैरेक्टर था वो ज़्यादा बेस्ट था, उसे हम बहुत मिस कर रहे हैं डॉक्टर गुलाटी के रूप में। आप सोनी पे पहले देखते थे, टीवी पे पहले देखते थे, देन आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो, तो पहले इंजॉय करते थे या अब इंजॉय कर रहे हो, किसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा आपको? पहले का इतना ये नहीं था, सुनील वो नहीं था, तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी नहीं था, तो अभी उसका कैरेक्टर वापस से आया, लाइक मशहूर गुलाटी का नहीं दूसरा बन के आया वो, तो उसके हिसाब से अच्छा है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी का कैरेक्टर आप कितना मिस कर रहे हो? पहले जितना, अभी तक जो पहले इम्पैक्ट पड़ता था ऑडियंस पे, जब पहले लोग हंसते थे जितना, जितने हंसी लेते थे, जितने मज़े लेते थे, उतना तो नहीं है, पर अभी ट्राई कर रहे तो हो सकता है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी का कैरेक्टर जो अब प्ले नहीं हो रहा है, तो वो कितना मिस कर रहे हो आप? वो उस शो का एक बड़ा एस्पेक्ट था उस टाइम पे, उस शो के लिए लोग मतलब खाना खाने के बाद अगर, या फिर खाना खाते वक्त वो शो देखने के लिए मज़ा आता था, और वो कैरेक्टर ही बेसिकली बहुत फनी था, तो अभी मिस तो हो रहा है। मशहूर गुलाटी का कैरेक्टर चेंज हो गया है, सुनील ग्रोवर अभी न्यू कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके जैसा नहीं कर रहे हैं, बहुत अलग कर रहे हैं, पहले जैसा नहीं है बस। देखने में भी बहुत अलग लगता है, अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। और कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार दोनों साथ में दिख रहे हैं कपिल और सुनील, तो कैसा लग रहा है जोरी? अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना नहीं, मैंने नेटफ्लिक्स उतना ज़्यादा नहीं देखा, नेटफ्लिक्स का शो जो है अभी न्यू करा हुआ है, पर मैंने जो टीजर वीजर जो भी छोटा मोटा था उसमें देखा था, अच्छा ही दिख रहा था, कैम देखते अब क्या सही, ठीक ठाक ही था। शो पे जो टीआरपी इंपैक्ट पड़ा आपको क्या लगता है, उस पर क्या आपका कहना है? टीआरपी इंपैक्ट मतलब टेलीविजन से जो चैनल में था, पूरे घर वाले देखते थे, फ्री टाइम पे देखते थे, आते रहता था, तो अच्छा टीआरपी था। अब ये नेटफ्लिक्स में क्या सब्सक्रिप्शन ज़्यादा लोग कनेक्टेड नहीं है नेटफ्लिक्स से देखा जाए, तो इसलिए से इंपैक्ट तो पड़ेगा ही।
टीवी पे देखना ज़्यादा पसंद करते हो या नेटफ्लिक्स? टीवी पे बेस्ट, सब लोग फैमिली के साथ हंसी मजाक होता था, कॉमेडी बहुत अच्छी थी। कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार दोनों का साथ में जोड़ी देखने को मिला है, तो कैसा लग रहा है? मैंने तो इसमें रील्स में देखा था उन दोनों का जोड़ी, अच्छा दिख रहा था, मतलब केमिस्ट्री पहले ऐसी नहीं थी बट वो भी ठीक था। अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता। आप किस में देखना पसंद करोगे, टीवी पे देखना पसंद करोगे वापस से या नेटफ्लिक्स पे? आई वुड पर्सनली प्रेफर नेटफ्लिक्स, बट मेरे घर पे सब लोग देखते हैं तो टीवी वुड बी बेटर ऐसे। कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर साथ में देखने को मिले, तो आपको कैसा लग रहा है जोड़ी? अच्छा लग रहा है, अच्छा फीलिंग, अच्छा है वापस शो को वापस लाइमलाइट मिला है। बीच में इतना नहीं पॉपुलर था, अभी फिर से पॉपुलर हो रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। मशहूर गुलाटी का जो कैरेक्टर था वो आप कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप वो प्ले नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली वो मिस तो करेंगे बट अभी वो पुरानी बात नहीं है अभी उनमें, अभी कैसे ही करेंगे उन लोग पुरानी चीज़ को वापस रिप्ले, तो अभी चेंज तो करना ही पड़ेगा। सोनी पे जो टीआरपी मिलता था वो नेटफ्लिक्स पे टीआरपी नहीं मिल रहा है, तो क्या कहना है उस पे आपका? वो तो इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जब सोनी में आता था तो ऑडियंस काफ़ी अलग थी, ऑडियंस काफ़ी ओल्ड थी इन द सेंस। अभी जब नेटफ्लिक्स पे तो एक तो पेड है सब कुछ, पे करना पड़ेगा आपको देखने के लिए नेटफ्लिक्स के लिए। सुनील ग्रोवर का न्यू कैरेक्टर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, फनी है, पहले जैसी बात तो नहीं ऑब्वियसली बट अभी भी अच्छा है, इम्प्रोवाइज किया है, अच्छी बात है, अच्छा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नेटफ्लिक्स का ज़्यादा अच्छा है और टीवी पे जो सोनी पे आता था वो थोड़ा कम है? टीवी का एड्स एंड टीवी मतलब आजूबाजू का शोर है, नेटफ्लिक्स पे आराम से चिल करके देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने जनता से बात किया और उनका रिएक्शन है कि वो नेटफ्लिक्स से ज़्यादा टीवी पे देखना पसंद करते हैं, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वेल, ऑडियंस की माने तो उनका ये फेवरेट शो उनको सोनी टीवी पर ही पसंद आ रहा था, जहां पर डॉक्टर गुलाटी जैसे किरदार को फैंस ने उनको टीवी पर देखना ही पसंद किया है, चाहे वो डॉक्टर गुलाटी हो, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो अर्चना हो। वेल, अगर हम बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की तो वेब सीरीज और शो कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चले हैं, जहाँ पर ऑडियंस को उनसे बेशुमार प्यार भी मिला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर द कपिल शर्मा शो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना हमें ना भूले। आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए बजूका रिव्यूज के साथ।